नमस्कार आमना सामना को स्वागत करुछी मु शक्ति साई मिश्र। 41 वर्ष पर भारतीय हॉकी दल कौनसी ओलंपिक इवेंट रे पदक हासिल करछि। टोक्यो ओलंपिक रे इतिहास रचिछि। 41 वर्ष पर ब्रोंज पदक हासिल करछि भारतीय हॉकी दल एवं महिला हॉकी दल मध्य बहुत भल प्रदर्शन करछि। प्रथम थर पई सेमीफाइनल खेलछि एवं अल्प करे पदक रु वंचित होछि। तो आगुकु भारतीय हॉकी पई गोटे नुआ इतिहास आरंभ हेब, गोटे नुआ जुगर आरंभ हेब, एक कथा सारा देशवासी आशा रखुछन्ते। आज आम सहित आमना सामने अच्छा ओडिशार गर्व गौरव भारतीय हॉकी गौरव तथा पद्मश्री दिलीप तिर्की अच्छा लंबा अनुभव भारतीय हॉकी दल सहित तीन तीन टी ओलंपिक रे भारत को प्रतिनिधित्व करिछन्ती। तो आम शुणा सहित कथा हवा जे भारतर ए सफलता परे आगुकु से केमती देखुछंती भारतीय हॉकी को केते संभावना रही केते आशा आमे रखिबा भारतीय हॉकी रो से जो स्वर्णिम अध्याय पुणी थरे फेरी आसीब कि। दिलीप बाबू आपन को बहुत बहुत स्वागत आमना सामना को। धन्यवाद। आमे मध्ये आपन को देखितिलु जेतेबेले भारतीय हॉकी दल टोक्यो रे ब्रोंज पदक जेतेबेले जितिला एवं महिला दल जेतेबेले अल्पकरे अति कड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबला रे जेतेबेले हारीगला आपण को आखिर लुह आसी जाइथिला। आपण होचंती से ओडिया जे कि प्रथम थर पई जणे ओडिया भाबरे ओलंपिक खेलिबार सौभाग्य हासिल करथिले। तीन तीन टी ओलंपिक रे आपण देश को प्रतिनिधित्व करिछंती। गोटिए थर आपण 2004 एथेन्स ओलंपिक रे आपण अधिनायक मध्य थिले दलर, किंतु सबुथर मध्य बहुत आशा देश रखुला किंतु पदक हासिल करिबा संभव हो पार नथिला। एवं आज जेतेबेले 41 वर्ष पर भारतीय दल जेतेबेले पदक जीतुछि आपणकर केमती अनुभव होइथिला? आपण सत कहउछन्ति आमे आगरु बहुत ओलंपिक्स रे खेळिबाकु सुजोग पाइछु। एटू पर बहुत ओलंपिक्स खेळा हेछि, सबुथर आशा करथलु एथर भल करिबु, किंतु आमे पदक न पाइके फेरि जाइछु, हताशिके फेरिछु। किंतु जोटा वर्तमान 40 वर्ष पर 41 वर्ष पर जो आमर खिलाड़ी माने नैकि आछंती ब्रोंज मेडल टोक्यो 2020 रे रियली एटा आम समस्तक पई खुशीर कथा, गर्वर कथा एवं नुआ इतिहास गढ़िछंती। अन्य पटर आपन जो कहिले कि महिला दल महिला बहुत अल्प के से माने ब्रोंज मेडल जीति पारलानी, किंतु बहुत भल बहुत सुंदर भाव से माने खेल प्रदर्शन करछंती। सतरे बहुत दुख लागिला जेतेबेले से माने ब्रोंज पदक जीति पारलानी, रियली बहुत दुख लागिला। दिलीप बाबू जो कथा आपन कहुतले जे आपन माने भी बहुत संघर्ष करथिले, भल खेलुथिले एवं आशा मध्य समस्तंकर थिला। आपणक सहित जो टीम तीन थर जाक ओलंपिक खेली से टीम आ वर्तमान टीम जदि आम देखा वर्तमान टीम पदक जीतिला आपणक टीम रे अभाव कौनटा थिला, सेते असुविधा कौनटा थिला जो कि आमको संघर्ष करबा को पड़ुथला सबुथर? परिस्थिति एमती हला जे 2008 रे आमे क्वालिफाई मध्य करि पारले नाही। निश्चित कथा आमे हॉकी रो अप डाउन देखिछु। 80 परे आमे ओलंपिक रे 12 स्थान रे भी रहिछु, 6 स्थान रे भी रहिछु, 7 स्थान रे भी रहिछु एवं ओलंपिक क्वालिफाई करि पारुनु जेटा कि 2008 ओलंपिक्स बीजिंग ओलंपिक्स क्वालिफाई करि पारथिले। सत कथा, किंतु आजिर जो टीम आउ से समय टीम भितरे एतिकी फरक आम पाखरे से समय स्टार थिले, आज भी यंग स्टार अछंती। से समय धनराज पिल्ले, मुकेश कुमार, आशीष बलाल, बलचंद सिंह ढिल्लन, प्रगट सिंह ए भली खिलाड़ी थाई कि आम ओलंपिक जीति पार नथिले। एवं गोटे कारण हला कि आम समय ड्राइव फेकर नथिले,
एवं आपन देखिथिबे वर्ल्ड जिते भी टॉप टीम अछंती समस्त पाखे ड्रैग फिगर अछि एवं विगत 30-40 दशक धरी यदि कोई भी देखंतु किछि भी कोनोसी भी टीम आपन देखंतु चैंपियन जदि हेछंती ओलंपिक वर्ल्ड कप रे सेटा होछि से ड्रैग फिगर एवं से गोल माध्यम रे सक्सेस हेछंती अपन मय कहि भी हॉलैंड कथा देखंतु टेका टेका में बहुत धर बहुत दर्श वर्ष पर वर्ष से टीम को जीते आनी रोमान कथा कहतु लोमैन कथा कहतु पाकिस्तान जितने जिते बेले सलबास थिला से समय पाकिस्तान के बहुत गुड़ा कंट्री डरू थे अपन अर्जेंटीना 2016 ओलंपिक जो जीतु पाखे से डिफिकल्ट जो पूर्व लंबी थी पाखे आपण देखु जिते बिल जर्मनी कथा कहतु ऑस्ट्रेलिया भी जिते भी आप बड़ बड़ कंट्री जे भी मेजर इवेंट आप देखिए शॉटगन बहुत इम्पोर्टेंट रोल करें जोटा कि वर्तमान भारत में वर्तमान जो टीम अच्छी जो टीम खेलने टोक्यो 2020 ओलंपिक रे दुई तीन जन दुईज वर्ल्ड क्लास फ्लिकर अच्छा आम पाखे जार बेनिफिट आपन आम जो ब्रॉन्ज मेडल जीतलु से तादर भी आम दुईटा गोल सर्ट कॉर्नर रे हेछि आम जो सेमीफाइनल मैच हारीछु बेल्जियम टू बर्तमान बेल्जियम टीम देखते बेल्जियम टीम जितने ओलंपिक जीति वर्तमान तो ड्रैग फ्लिकर पर जो हेंड्रिक्स अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स आई मैच चारिटा सर्ट कॉर्नर से पाई आम सेमीफाइनल मैच चारिटा जाक सर्ट कॉर्नर तीन टा सर्ट कॉर्नर गोटे से सर्ट कॉर्नर प्लेंटी स्ट्रोक होता तो भावंतु केते इम्पोर्टेंट से समय आम सर्ट कॉर्नर प्लेंटी पाई आम ड्रैग फ्लिकर नथिले आज ड्रैग फ्लिकर पर बहुत भल टीम कर आपण जेतेबेले टोक्यो को जाते ये ओलंपिक रे रियली आमर जो आमर खिलाड़ी माने भलो करछंती जेबे सिरीजेस कथा कहंतु आउटस्टैंडिंग खेली छी आम ओडिसार अमित रोहित दास एवं वीरेंद्र लकड़ा अमित रोहित दास बहुत एक्सलेंट परफॉर्म दे छी रुपेंद्र पार कथा कहंतु या आमर हरमनप्रीत जे फ्लिकर बहुत भलो खेली छंती ता सहित आमर मिडफील्डर कैप्टन मनप्रीत का परफॉर्मेंस एक्सलेंट थिला आज जी फॉरवर्ड आप देखिदेवे मनदीप दिलप्रीत सिमरन आमर गुरजेन्त तो समस्त ओवरऑल परफॉर्मेंस आम देखा सो ये टीम बहुत भल भल प्लस पॉइंट कौन आम देखा मिले जो यंग खिलाड़ी 10 जन खिलाड़ी जो फर्स्ट ओलंपिक्स हिसाब से पार्टिसिपेट करके जाइए 10 जन तो एक मझेरे आसीले मझेरे मत मन हमारे संदीप सिंह आप मन थी जो संदीप सिंह से उभरिक आसुले से भल करवा आरंभ जिते कले जूनियर स्तर में गोली बाजिगला पुणी आम गोटे डिफिकल लुज कलु लास्ट आम ठार आउ जे जुगराज सिंह आप ना शुणिथे एक्सटेड होगा 2003 पर एक्सटेड पर हॉकी खेली पारे से भी उभरिक आसुले सो दुई दुई जन फ्लिकर जी आम जो मिलूल आमपाई एक्सटेड जो आमको फ्लिकर पर मिल पारे रघुनाथ मझेरे आसिले किसी वर्ष धरिकी सपोर्ट कले कि आमको जो वर्ल्ड लेवल फ्लिकर जो आम बर्तमान देखु बहुत भल कर खराब पर्याय थिला ताकू वर्तमान भूली आम आग को देखार समय आसी आपण कौन लगुच्छे से स्वर्णिम अध्याय पुणी थे फेरी जा भारत को फेरी आसी हॉकी आग को बढ़ उभय महिला दल और पुरुष दल आम आग को आहरी बड़ता सफलता आशा करवा वर्तमान जो महिला महिला दल सेमिफाइनल जीवा बहुत भल परफॉर्मेंस करिबा एवं पुरुष दल सेमिफाइनल जाए कि ब्रॉन्ज मेडल आनिबा सो एटा आमर यंग जेनरेशन पाई अपकमिंग खिलाड़ी पाई जे हॉकी खेलुछते हॉस्टल एकेडमिक्स रे सो तांको पाई गोटे कॉन्फिडेंस गेन होइछि विश्वास आछि कि भविष्यत रे मध्य आमे
ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୟା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିପାରିବୁ, ଫରେନ୍ ଟିମ୍ ମାନଙ୍କୁ ବିଟ୍ କରିପାରିବୁ, ଏ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବା କଥା, ଆମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆମେ ବିଟ୍ କରିପାରିବୁ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁଥିରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଅଛି। ସୋ ଏଇ କନଫିଡେନ୍ସଟା ଯେଉଁ ଗେନ୍ ହେଇଛି ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ୟୁଥ୍ଙ୍କ ଭିତରେ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର୍ ହକି ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ହକିର ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ, ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ଏଇ ସମାନ ଧାରଣା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ 98ରେ 98ରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏସିଆନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ସାରା ଦେଶରେ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହୃତ ଗୌରବ ଫେରି ଆସିଲା, ହକି ଆଣିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆମେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ମେଡ଼ାଲ୍ ଜିତିବୁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଆହୁରି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ 2008ରେ ସବୁଠୁ ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଭାରତୀୟ ହକିର। ଆମେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା, ବେଷ୍ଟ 3 ରହିବା, ବେଷ୍ଟ 4ରେ ରହିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଥିଲେ ଆମର ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଟିମ୍, ରନର୍ସଅପ୍ ଥିଲେ ବେଲଜିୟମ। ହଁ, ବେଲଜିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିଛି, ମୋ ମତରେ 4-5 ବର୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲଜିୟମ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଦିନେ ଥିଲା ବେଲଜିୟମକୁ ଆମେ 3-1, 4-1 ବିଟ୍ କରୁଥିଲୁ ମୋତେ ମନେ ହେଉଛି। ସୋ ସେଇ ଆଜି ଯଦି ଟପ୍ ଟିମ୍ ନେକ୍ସଟ 2-3 ବର୍ଷରେ 4 ବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୁଅନ୍ତି। ସୋ ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଯିଏ ଏଥର ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଇଥିବ ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ବୋଧେ ହେଇନପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିକି ଆସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଲାଷ୍ଟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କଥା ସେଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗତ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଆଗରେ ଆମେ ଥିଲୁ 7 ପୋଜିସନ୍, ପୁଣି 6 ଆସିଲା, 5 ଆସିଲା, 4 ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 3ରେ ଅଛୁ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଲୁ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଆଉ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନ ଜିତିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ଟପ୍ ଟିମ୍ରେ ରହିବାଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କଥାକୁ ଆସିବା, ଓଡ଼ିଶା ହକି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଉଛି ହକିର ଅନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେବେଠୁ କମ୍ସେ କମ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେଣି ଓଡ଼ିଶା ହକି ପ୍ରମୋସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ବୋର୍ଡ଼ର, ତା'ର ଆପଣ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ହକି ପ୍ଲେୟାର ବାହାରିବା, ଜାତୀୟ ଦଳରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କେବଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭିତରେ ହିଁ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ହକି ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଉଛି ହକିର ଗଡ଼, ଏବଂ ସେଠି ଯେତେ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗ୍ରାମରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାଟି ପବନ, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ହକି ଅଛି, ତାଙ୍କର ରକ୍ତରେ ହକି ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ବି ଯିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ କେଉଁ ଗାଁକୁ, ସେମାନେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ନେଇକି କେଉଁଠି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାର ଧାରା, ଏଇଟା ବର୍ଷ ସାରା ଲାଗି ରହିଛି, ତାଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ଅଛି ସେଠି। ଆଉ ସେଠୁ ଧାରାଟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ବାହାରି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟାପି ପାରୁନି? ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ 1987-88ରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲୁ, ଆଜ୍ଞା, ସେ ସମୟରେ ଆମର ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟମାନଙ୍କର ଖେଳାଳିମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ମୋତେ ମନେ ଅଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସି, ଆମର ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଫୁଲବାଣୀରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ତ ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେ ସମୟ ଆସୁଥିଲେ। ସୋ ହଠାତ୍ ସେଇଟା ସେ ମୋମେଣ୍ଟମକୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଧେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ କ୍ରେଜ୍ଟା, ସେଭଳିଆ ଆଟମସ୍ଫିୟର ସେଠି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ସେଠି ଯିଏ ଲୋକାଲ ଯିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସେଠି ଏଭଳିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନେଇକି ସେଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଗାଁ ଗହଳିରେ କେହି କରୁନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଥା ଯଦି କହିବା, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ୟା ଯେଉଁ ହକିଟା କ୍ରେଜ୍ ଅଛି, ସେ ଗାଁ ଲୋକ ହିଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଓ କେହି ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଥିଲା ସେଇଟା କାହିଁକି ମିସ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ।
मिस है कौटि ना कौटि बोधे पर से अंचल ध्यान देले ना एवं पर निश्चय बर्तमान आम भावु बर्तमान यहीटा जो जोठू थी आगे जो जोठ बर्तमान खेल चाहिए आम सर्भे करुचु जो जो हॉकी थी जो जो हॉकी खेल चाहिए निश्चय वर्तमान आम से प्लान करुचु जो आप कौन कि आम नर्सरी हॉकी बर्तमान नर्सरी हॉकी से आम आरंभ कर खेलवाई जमी पिला आस खेली पारे बुझे पारे और फ्यूचर में हॉस्टल एकेडमी सब अच्छी सो निश्चय योजना पर आम करुचु आउ गोटे कथा सहित दिलीप तिर्की आप देखिए जे दिलीप तिर्की हूँ बा अमित रोहिदास पर्यंत आम जिते खेला जितिय दल रे स्थान पाई जिते तमाम अधिकांश होती डिफेंडर समस्त डिफेंडर कहीं फॉरवर्ड खेला आसपार ना यार कौन कारण ये गोटे बड़ा आश्चर्य लगे आश्चर्य कथा मुझे मत भी आश्चर्य लगुच बर्तमान जो आप पचारमें भी देखु विगत किसी वर्ष है बहुत वर्ष धरी आम ओडिशार ओडिया खिलाड़ी माने समस्त डिफेंडर ऑलमोस्ट डिफेंडर आम झील पिले जो फॉरवर्ड होकर बाहर वर्तमान फॉरवर्ड अच्छा जाते जो लास्ट ओलंपिक रे झील पिला फॉरवर्ड बाहरी ज्योतिष नेता कथा कहतु या आमर लीलिमा मिज कथा कहतु समस्ते बर्तमान दीपिक रे या पूर्व जो सुभद्रा प्रधान डिफेंडर थे आम ओडिशार आम उलियम कथा कहतु आमर इग्नेस कथा कहतु प्रबोध कथा कहतु आम लजरीश बता कथा कहतु समस्त डिफेन्स मझे रोशन भी जड़े जो सो मत लगुच आमको आहरी याद आमको फोकस करवा पड़ो आमर फ्रंट लाइन को आमको अटैकिंग हॉकी प्रिपेयर होगा पड़ो मो मत आहरी फिट हो पड़ो आहरी जो डी भितर कि भाव में पेसेंस रही गोल काढ़ सर्ट रन काढ़ मो मत यही सब क्वालिटी आम कौन ना कौट आम लैप्स करुचु सो मो मत आमको अटैकिंग हॉकी जो फॉरवर्ड मैंने ही सेटा क्रिएट करी पारिबे देखाई पारिबे से भला के खिलाड़ी खेलबा को पड़े नहीं हम पाखरे इंफ्रास्ट्रक्चर भित्ति भूमि रो अभाव रहूची प्रशिक्षण रो अभाव रहूची ना कोटा अभाव रहूची सुविधा सुजोग रो अभाव रहूची निश्चय खिलाड़ी अछंती हम पाखरे हमें तांको क्रिएट करी पारुनु सो निश्चय हमें याक ऊपर फोकस बदे हमें फॉरवर्ड आहरी ट्रेनिंग दरकार जोटा कि बोधे मत लगुच मिसिंग हो सो चेष्टा बर्तमान करम कि भाव से आहरी प्रैक्टिस करें बेटर प्राक्ट करें या जो बेटर फॉरवर्ड टिप्स नहीं पारे शिखि पारे मो मत यू करने पड़े मतलब लगुच दिलीप बाबू समय थिला आपण समय मध्य ओडिशारु तीन चार पाँच पर्यंत खिलाड़ी प्रतिनिधित्व करुथिले भारतीय टीम रे किंतु एबे से परिमाण कमी जाउछि धीरे धीरे ओडिशारु प्रतिनिधित्व कमी जाउछि काहेकि दिने दौर एभली थिला कि भोपाल मध्य यूपी पंजाब रु भी बहुत खिलाड़ी आसुथिले आठ नौ जन थिले आ दिने दौर एमती आसिला कि आम ओडिशारु भी जोटा आपण कहउछन्ति पांच हजार चार जन दिने आम कि नु दिने जन दिज दिने आस पांच छज थू पांच जन और आसी जन दिज रोचे पंजाब रे मध्य दिने आठ नौ जन खेलुले मझे जड़े या दुईज आसुते पंजाब रे मध्य ये सिचुएसन आसला कि बर्तमान अच्छा मैंने सात आठ जन अच्छे बोलते देखा पड़ेगा एक्जाक्टली के सो से दौटा चेंज हो जा हाँ ये कह आमको मुझे भावुची मझे मझेरे आमको जे हिसाब से फोकस करने कथा मुझे आम फोकस कर पारुनु एडवांस ट्रेनिंग का प्रोग्राम एडवांस ट्रेनिंग सिस्टम को आम बोधे आम फॉलो कर पारुनु तो मत तहारी कारण हो पारे जदि निश्चय आम से हिसाब से ट्रेनिंग आम करते तो डेफिनेटली आम खिलाड़ी मेंटेन हो कि जो कथा आप कहे अति गुरुत्वपूर्ण कथा कहे आम से धरण प्रशिक्षण आम पहुँचे पारने आमर खेला अच्छा भितर उन्माद अच्छी किंतु आम से सुविधाटी पारने
गोटे कथा होची जे आमे विश्वकप हॉकी आयोजन करिछे एवं आगुकु मध्य करिबा स्थितिने कि आमे भित्तिभूमि तयारी करछे राउरकेला रे भुवनेश्वर रे कोटी कोटी टंका आमे खर्च करूछे किंतु आम राज्यरु खेलाळी माने जदि सुविधाटा पाई परिबेनी तो फोकसटा भित्तिभूमि तयारी सहित तांकु उत्तम प्रशिक्षण खेलाळीक पाखरे भित्तिभूमि पहुंचेबा इटा मध्य समान जरूरी नुहे कि वर्तमान स्थितिरे एवं से दिगरे आपण ओडिशा हॉकी प्रमोशन काउंसिल अध्यक्ष भावरे कौन कहबे केते से दिगरे काम होउछि बर्तमान सेटा को देखिकी आगे आगे मझेरे आम दौर आसला खेलाड़ी आम पाइलुनि बहुत अल्प खिलाड़ी पार्टिसिपेट करूँ सो बर्तमान देखते तहारिपाई सरकार बर्तमान योजना कर बर्तमान हाई परफॉर्मेंस सेंटर आपन देखि थे ओडिशा नावेल टाटा हॉकी एकेडमी जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बर्तमान वर्षे आरंभ हो सो तहारिपाई ये बबुलेंडर वर्ल्ड बेस्ट जो डिफेंडर थे प्लांटिक स्पेशर एकाडेमी गाइडलाइंस रे आमर ओडिशा नेवल हॉकी एकेडमी ये आरंभ कर पु और झीओ तहारिपाई कि भाव एडवांस कोचिंग से पारे बेटर कोचिंग फैसिलिटी पाई आरंभ अलरेडी हो जा सो मुझे भावुची किसी वर्ष पर एठू मत खिलाड़ी आहरी भल भल खिलाड़ी बाहर की राज्यपाई देशपाई खेली पारे फाइनाली आपण प्रतिक्रिया नाकू चाहिए महिला टीम रविष्य केमती आप देखुं महिला टीम परान धरण भित्तिमि प्रशिक्षण यह सब आवश्यकता के जरूरी देख ये जो भित्तिमि भुवनेश्वर कथा कहतु या राउरकेला जो हेब या जो हॉस्टल एकेडमी सब अच्छी महिला भी सेम फैसिलिटी अच्छी सेम फैसिलिटी कोच सेम स्टैंडर्ड कोच जगे दिया एवं जे हिसाब से महिला दल परफॉर्म कले ओलंपिक्स रे सो निश्चय से मैंने भी एक्सलेंट परफॉर्मेंस करते समस्ते गोलकीपर सरिता कथा कहतु ओडिशार दीपगिरेश एका सुनीता सचिली सुशीला चानु कथा कहतु नेहा फ्रंट रानी या मोनिका नव नवजोत तो समस्ते मत यंग टीम भल परफॉर्मेंस करछंती तो भित्तिभूमि आपन तो अलरेडी जानी ओडिशा सरकार पांच वर्ष स्पॉन्सर हिसाब से सपोर्ट करछंती निश्चय भी प्रथम जे हिसाब से परफॉर्म कले तो निश्चय ओडिशा सरकार कि भाव में सब क्षेत्र में आहुरी कि डेवलप हो पार आहुरी साहय कर बहुत बहुत धन्यवाद श्री तिर्की आमको समय दे अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आपण मत रखि पद्मश्री दिलीप तिर्की आम सहित थिले आमना सामने बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित आज आमना सामने थिले पद्मश्री दिलीप तिर्की भारतीय हॉकी भविष्य संपर्क में अनेक किसी मत रखिले कौन आवश्यक रही है आमको हॉकी को आगक नापाई गोटे भविष्य उज्जवल भविष्य से देखुं उभय महिला और पुरुष टीम आगक आहरी बड़ इवेंट्रे आड़ सफलता आमको मिल पार एक से आशा रखिंट तो समय हो आमना सामना कोईट रखा आगामी सप्ताह आज जो चर्चित चेहरा पुणी आमना सामना होगा नमस्कार।